हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान इडो वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू के हेडर एंड फुटर ऑप्शंस के बारे में। पिछली वीडियो में हम यहां तक के सारे टॉपिक्स को क्लियर कर चुके थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप चाहते हो उसे देखना तो वहां से जाकर उसको देख सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया है हेडर, फुटर और पेज नंबर। तो पहले हेडर होता क्या है? पेज पर जो ऊपर वाला एरिया होता है वो हमारा हेडर कहलाता है, जिसमें हम किसी तरह की हेडिंग डालते हैं। फुटर हमारे पेज के नीचे का एरिया होता है और पेज नंबर आप लोगों को पता ही है। हेडर और फुटर की क्वालिटी क्या है कि यदि आप किसी भी एक पेज पर हेडर या फुटर अप्लाई कर दीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक सारे पेज पर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल द्वारा। जैसे यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ को ले लिया है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 99, इंटर कर देते हैं। यह हमारे पास पैराग्राफ आ चुका है। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे 11 पेज है। इसको हम कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन जब हम प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमारे पास इतने सारे पेजेस हैं। इसे आपने नोट्स बुक में देखा होगा, ऊपर डेट और पेज नंबर लिखा रहता है तो वो हमारा हेडर एरिया है यदि ऊपर लिखा है। तो नीचे यदि पेज नंबर या सिग्नेचर्स के लिए ऐसे कुछ बॉक्स बने हुए हैं तो वो हमारा फुटर एरिया है। और पेज नंबर सिर्फ आपको डालना है तो वो आप किसी भी मार्जिन पर डाल सकते हो। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं हेडर। यदि किसी एक पेज पर आपको कोई हेडर डालना है तो आप किसी भी एक पेज को चूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप हेडर एरिया को चूज़ कीजिए, मीन्स आप सिर्फ इस पर क्लिक करिए कहीं भी और हेडर ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिए। तो जो भी आपका हेडर एरिया आप जो भी डिसाइड करना चाहते हो या जो भी यहाँ पे हेडर का फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली चूज़ कर लिया कि हमारा जो हेडर रहेगा वो हमारे लेफ़्ट साइड में रहेगा, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। तो ये आपका हेडर एरिया है। यदि आप हेडर एरिया को घटाना बढ़ाना चाहते हो, इसके मार्जिन को सेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो वर्टिकल रूलर दिया है यहाँ पे इसको ऊपर नीचे करके इसके मार्जिन को भी आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हेडर आ चुका है। यहाँ पे हम यहाँ पे खुद से टेक्स्ट को डाल सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट इसको हम डालते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया डेट, ऐसे डॉट डॉट कर दिया जैसे हमारे नोट्स बुक्स में होता है। और यहाँ पे आप डाल सकते हो पेज नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया पेज नंबर और यहाँ पे भी आप इस तरह से डॉट डॉट कर सकते हो। आपको कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए। आपने बोल्ड करना है यहाँ से बोल्ड कर दीजिए, कलर करना है कलर कर दीजिए। किसी भी तरह की आपको फॉर्मेटिंग चाहिए तो यहाँ पे आप कर सकते हो। करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हेडर का ये जो ऑप्शन क्लोज कर दिया है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपका पेज पे आ चुका है हेडर एरिया। अब आप सारे पेज को चेक करोगे तो सारे पेज पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है, मीन्स आपको हेडर सिर्फ एक पे ही डालना है, ऑटोमेटिक सारे पेज पे अप्लाई हो जाता है। उसके बाद आता है फुटर ऑप्शन। पेज के नीचे के एरिया को हम फुटर एरिया कहते हैं। हम सारे पेज के लिए एक यहाँ पे फुटर दे सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपको यहाँ से फॉर्मेटिंग पसंद है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप टेक्स्ट और पेज नंबर दोनों एक साथ डाल सकते हो या तीनों टेक्स्ट डाल सकते हो। चलिए हम नॉर्मली ले देते हैं यहाँ पे टाइप टेक्स्ट के लिए। यहाँ पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे डाल दिया सिग्नेचर, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरह से डॉट डॉट दे देते हैं। इसको आपको फॉर्मेटिंग करनी है, इसको आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो। चलिए मैंने बोल्ड कर दिया, कलर कर दिया और थोड़ा सा हम यहाँ पे इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो स्क्रॉल डाउन करके, मीन्स इस तरह से आप कंट्रोल के साथ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे पेज पर हेडर के साथ साथ फुटर एरिया भी अप्लाई हो चुका है। फुटर एरिया को यदि आपको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे इसका जो स्क्रॉल बटन है यहाँ से इसके टॉप और बॉटम की मार्जिन को आप यहाँ से सेट कर सकते हो।
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन से, इसको हम यहाँ से डिज़ाइन में जाके यहाँ से कट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन से आपका पेज नंबर, आप किसी भी पेज पे रहो, यहाँ अभी भी 10 पेज नंबर पे हैं, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। आपको पेज नंबर कहाँ पर रखना है, टॉप में, ऊपर में, यानी बॉटम में, नीचे, मार्जिन मीन्स आप कहीं भी कर्सर रखे रख सकते हो, करंट पोजीशन जहाँ पे भी आपका है करंट कर्सर, तो यहाँ पे आप उसका एरिया डिसाइड करने के बाद क्लिक कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक पेज नंबर आपका आ जाएगा एरिया। तो हम यहाँ टॉप ऑफ पेज का राइट एरिया यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपका टॉप में आया है, आपके किधर साइड में, आपके राइट साइड में। यहाँ पेज नंबर 10 दिख रहा है क्योंकि करंट में हम यहाँ पे पेज नंबर 10 पे ही हैं। इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए। इसकी जो साइज़ अगर इंक्रीज़ करनी है तो यहाँ से आप साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। या आपको फॉर्मेट करना है, यहाँ पे कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। जब ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे आप देखोगे ये 9 पेज नंबर है और यहाँ पे 8 है, तो ये जो भी आपका पेज नंबर है वो ऑटोमेटिक खुद के पेज नंबर को एडजस्ट कर लेता है। तो हेडर हो या फुटर हो या पेज नंबर हो, यहाँ पे आपको सिर्फ एक पेज पे उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, ये सारे पेज पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे बने बनाए कुछ टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, यदि आपको यहाँ से लेना है बस किसी भी फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक कर दीजिए, उस तरह की आपको फॉर्मेटिंग आ जाएगी। यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ से लिख सकते हो। जैसे जैसे आपका वर्ड बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे इसका बॉक्स का जो साइज़ है वो आपका इंक्रीज़ होता जाता है। इसी के साथ साथ इसकी फॉर्मेटिंग भी दे रखी है, यदि आपको बॉक्स में कलर वगैरह करना है या इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे इसका वर्ड स्टाइल दिया है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी आप यहाँ से क्लिक कीजिएगा उसी तरह का फॉन्ट स्टाइल या वर्ड स्टाइल इस पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम ये नॉर्मल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है टेक्स्ट फिल। टेक्स्ट फिल, यदि आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर लीजिए, यहाँ से आपका टेक्स्ट का जो कलर है वो आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ टेक्स्ट का आउटलाइन दिया है, तो इसके लिए हम टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे फॉन्ट साइज़ को, ताकि आपको आउटलाइन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम दे देते हैं रेड आउटलाइन। तो आउटलाइन टेक्स्ट की जितनी मोटाई रहेगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटलाइन आपका आएगा। नहीं, यहाँ पे यदि आप इसको नो आउटलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ नो अप्लाई कर सकते हैं। मोर आउटलाइन कलर का, यदि आपको उसमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ से भी आप कलर को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा आपका बीच में जो है वो आपका वाइट कलर आ रहा है, तो ये इसका आउटलाइन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे यह है टेक्स्ट कलर, यदि आपको थोड़ा शैडो डालना है, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट दिखता है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन दिखता है नीचे के साइड में, थोड़ा सा आपका शेडो टाइप में आ रहा है ग्लो, या आपका आउटसाइड में थोड़ा ग्लो करेगा। बेवल थोड़ा सा उभारता है टेक्स्ट को। 3D रोटेशन, ये आपका रोटेट करने के लिए पूरा जो टेक्स्ट बॉक्स रहेगा वो आपका रोटेट हो जाता है। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन, यदि आपको वर्ड को ट्रांसफॉर्म करना है, किसी स्टाइल में चेंज करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका पूरा टेक्स्ट इफेक्ट था। अब यदि आपको टेक्स्ट डायरेक्शन देना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट डायरेक्शंस भी दे सकते हो। चलिए हम किसी और तरीके से टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ले लेते हैं। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस को कर देंगे खाली, और इसके बाद जाते हैं इंसर्ट में, और अब हम टेक्स्ट को खुद से ड्रॉ करेंगे। मीन्स यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे और खुद से एरिया को यहाँ से डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कोई भी वर्ड लिख लिया। वर्ड लिखने के बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो था आपका टेक्स्ट डायरेक्शन। थोड़ा सा हम वर्ड को इंक्रीज़ कर लेंगे, इसकी साइज़ को। टेक्स्ट डायरेक्शंस यहाँ पे दिया है हॉरिजॉन्टल करना है, यहाँ आपको वर्टिकल करना है, रोटेट करना है 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे करना है, तो यहाँ पे आप डिग्री इसका दे सकते हो। यहाँ पे इसका टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यदि आप खुद से टेक्स्ट डायरेक्शंस को का डिग्री डिसाइड करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो
तो यहाँ पे देखिए तीन डायरेक्शन ही दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग यानी प्रीव्यू भी दिखेगी। चलिए ओके कर देते हैं, ये हमारा नॉर्मल आ जाएगा। अलाइन टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को कहाँ पर रखना चाहते हो, मिडल यानी बीच में, बॉटम यानी नीचे, या टॉप में, तो इसका अलाइनमेंट भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आता है पोजीशंस, किसका पोजीशंस, ये हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है ना उसका पोजीशंस। चलिए हम यहाँ पे हम इसको छोटा कर दे रहे हैं और पेज को हम थोड़ा फुल प्रीव्यू में देखेंगे इस तरीके से। तो इसका पोजीशंस में आप टेक्स्ट बॉक्स को कहाँ पर रखना चाहते हो ये इसका पोजीशंस डिसाइड करता है। यहाँ पे आपको सेंटर के लेफ्ट राइट बॉटम में रखना है, लेफ्ट राइट सेंटर में रखना है, या बॉटम के लेफ्ट राइट सेंटर में रखना है, या टॉप के, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को कहाँ पर रखना चाहते हो। तो यहाँ पे हम टॉप में ही रख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया ही है पहले ही कि यदि आपको इसमें कलर फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो आराम से। चलिए हम नॉर्मली कलर दे देते हैं इस तरीके से, ठीक है। यदि आपको सेव फील्ड में कोई अपने से कलर डिसाइड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। देखिए हमने इसको हम ना क्या करते हैं, यहाँ पे हम मूव करा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ हम पोजीशन डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ पर अब फील कराएंगे जो भी कलर तो आपको क्लियर दिखेगा। तो ये देखिएगा इस तरीके से, यहाँ आउटलाइन दिया है। यदि आपको आउटलाइन फिक्स करना है तो कर दीजिए। यहाँ आउटलाइन को हम क्या करेंगे, इसकी वेट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि हमें क्लियर आउटलाइन दिखे। देखिए आपका क्लियर आउटलाइन दिख रहा है। शेप का इफेक्ट आपको यदि सेट करना है तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आपका चेंज हो जाता है तो यहाँ से आप कर सकते हो। शैडो देना है, थोड़ा सा शैडो आ जाएगा। यहाँ ग्लो देना है, थोड़ा सा ग्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक एक ऑप्शन करके आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे एक एक ऑप्शन। यहाँ बेवल देना है, थोड़ा सा आपका आउटलाइन देखिएगा आपका चेंज हो रहा है, थोड़ा सा उभर के आता है। रोटेट करना है तो इस तरह से आपका रोटेट हो जाता है। तो इस तरीके से सारे इफेक्ट को यहाँ शेप इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो आप और टेक्स्ट इफेक्ट भी। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा हेडर, फुटर, पेज नंबर और टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। हेडर एरिया जो पेज का ऊपर वाला एरिया होता है वो हेडर एरिया कहलाता है। हेडर एरिया की क्वालिटी क्या है, हम एक पेज पर अप्लाई करते हैं वो सारे पेज पर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। फुटर एरिया हमारे पेज का जो बॉटम एरिया होता है, जो नीचे का एरिया होता है, ये हमारा फुटर एरिया कहलाता है। यह भी आप एक पेज पर अप्लाई कीजिएगा तो वो सारे पेज पर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। पेज नंबर आप किसी भी पेज पे रहकर यदि उसका पेज नंबर डिसाइड करोगे तो ऑटोमेटिक वो अपने पेज नंबर को एडजस्ट कर लेता है। यदि आप पेज पर किसी टाइप के टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कराना चाहते हो तो आप यहाँ से करा सकते हो। कुछ यहाँ पे बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स दिखेंगे और कुछ आप यहाँ से खुद से यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट बॉक्स को भी अप्लाई कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स को अप्लाई करने के बाद आपको एक ऑप्शन दे दिया जाता है इस बॉक्स को फॉर्मेट करने का। जब भी आप कर्सर को इसके अंदर रखिएगा तभी आपका इस फॉर्मेट ऑप्शंस को आप यहाँ से देख सकते हो और यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। बाहर रहने पर ये आपका ऑप्शंस अप्लाई नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसा लगा और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।